ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जिन लोगों का जन्मदिन 1 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर में आपके लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। धन और संपत्ति की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल के अंत में आपका विवाह भी हो सकता है। सलाह होगी कि पूरे साल भर सूर्य देव के मंत्र का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज की जिज्ञासा है कि क्या दीपावली की रात को माता लक्ष्मी के साथ उनके वाहन उल्लू की पूजा भी की जाती है। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि दीपावली की रात महानिशा की रात है, इसलिए बहुत सारे लोग दीपावली की रात्रि को तंत्र मंत्र के प्रयोग करते हैं। और तंत्र मंत्र में एक तंत्र है उलूक तंत्र, जिसमें उल्लू की विशेष तरीके से पूजा की जाती है तंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन मैं सामान्यतः आपको कहूंगा कि आप दीपावली पर उल्लू की पूजा मत करिए। हाँ, लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति है, कोई चित्र है जिसमें उनके पास उल्लू बैठा हुआ है, तब तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो उल्लू की पूजा स्वयं हो जाएगी। लेकिन अलग से उल्लू की पूजा करने की कोई अनुमति नहीं है और इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन बना रहे, स्थाई लक्ष्मी का निवास हो, तो क्या करेंगे? घर के पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी और नारायण यानी भगवान विष्णु, इनकी कोई मूर्ति या चित्र जरूर रखें। हर शुक्रवार को उनको खीर का भोग लगाएं। इस खीर को स्वयं भी खाएं और निर्धनों में बांट भी दें। अगर ऐसा काम करें तो निरंतर पैसा बना रहेगा स्थायी रूप से, और आपकी बुद्धि और आपका दिमाग भी पैसे के मामले में सही काम करेगा। दीपावली पर पूर्ण सात्विक भोजन बनाइएगा। प्याज लहसुन आदि का प्रयोग इसमें मत करिएगा। जब दीपावली की पूजा कर लें तब भोजन को संपूर्ण भोजन में से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके माता लक्ष्मी को अर्पित करिएगा। उसके बाद आप लोग सब मिलकर के साथ में भोजन करिएगा। अगर आप दीपावली के पावन अवसर पर ऐसा करते हैं तो साल भर आपको अन्न का और धन का अभाव नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।